أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون برادران रोज़ाना दरस नशत का सिलसिला अहमद चल रहा है मौज़ गुफ्तु मखारज हरूफ़ सबका नशस्त में मौज़ लसान के ऊपर गफ्तु हुई थी जबान के हिस्से तालों के हिस्से और दांतों के हिस्से बता दिए गए आज इनशा मखारज हरूफ़ यानी मौज़ लान से जो अठारह हरूफ अदा होते हैं दस मखरज हैं दस मखारिज हैं और अठारह हरूफ अदा होते हैं उन मखारिज से कोशिश करेंगे इसी नशस् के अंदर सारे मखारिज बता दिए जाए तो लिहाजा सबसे पहला मखरज जो है हरफ लाम का मखरज है हरफ काफ़ का मखरज है सबसे पहला मखरज काफ़ का है यानी काफ़ जो है इसका मखरज जबान की जड़ और कौवा या लह लहवियात जिसे कहा था कव्वा जिसे कहते हैं या छोटी जबान जिसे कहते हैं जो तालू से तालू के एंड में जो गोश का लोथड़ा है गोश का टुकड़ा जो लटका हुआ है उसको कव्वा कहते हैं उसकी जड़ और ज़बान की जड़ ये मखरज है हर्फ कौफ का और हर्फ कफ़ के अंदर लहियात की भी मुदाखलत हैं यानी ज़बान की जड़ के साथ साथ कौवा की जड़ और कौा के कुछ हिस्से भी शामिल है हर्फ कौफ में और इसी तरीके से दूसरा मखरज हरफ काफ का है हरफ काफ कौफ मोटा अदा होते हैं और काफ बारीक अदा होते हैं और इसका मखरज भी जबान की जड़ और कौा का सिरा है कौा की मदाखलत इसके अंदर बहुत कम है इसलिए बारीक अदा होते हैं काफ़ कौफ में जबान की जड़ और कौा की मदाखलत ज़्यादा है और ये मोटा अदा होते हैं जो दो नु़े वाला कौफ है और काफ़ जो है इसके अंदर जबान की जड़ और कौा का नोक या कौा की Uh, का सिरा जो है इसके साथ मुदाखलत है इससे हरफ क़ैफ अदा होते हैं और तीसरा मकरद जो है हरफ जीम शीन और या इन तीन हरूफ़ का है ये तीनों हरूफ ज़बान का दरमिया हिस्सा और तालू के दरमिया हिस्से से अदा होते हैं जीम शीन और या ये तीन हरूफ़ और चौथा मकरज जो है हरफ़ हरफाद का है हरफ़ फाद मुश्किल तरीन मखरज हैं हरफ़ फाद की अदायगी मुश्किल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इन आसानी होगी हरफ़ फाद का मखरज जो है ज़बान का आ, के दोनों अतराफ हैं राइट साइड या लेफ़ सोनों में से एक को अजरास दांतों के साथ जैसे दांतों की कस्बे हमने बताई थी आजराज दांतों के साथ टकराने से हरफे अदा होते हैं दाएं साइड से इसकी अदायगी थोड़ी सी आसानी से होती है आ, जबान का दाएं तरफ या बाएं तरफ अजरास दांतों के साथ मिलने से हरफे अदा होते हैं और इसी तरीके से पाँचवा मखरज हरफ लाम का है। हरफ़ लाम पाँचवा मखरज और इसका मखरज जो है ज़बान की नोक और ऊपर वाले तमाम दांत यानी सनाया रवायात अनियाब और अजरास इन तमाम दांतों को शामिल है ज़बान की नोक तरफ सामने वाला जो हिस्सा है ज़बान का वो ऊपर वाले तमाम दांतों के साथ मिलने से हरफ लाम अदा होता है और इसी तरीके से छट्टा मखरज जो है हरफ नून का है हरफ नून का मखरज छठा मखरज है और इसका मखरज जबान का ज़बान की नोक ऊपर वाले सनाया और रबायात के दांतों के साथ मिलने से यानि इनके जड़ों के साथ मिलने से तो हरफ नून अदा होता है हरफ नून का मखरज ऊपर वाले सनाया और रबायात के दांतों के जड़ है यानी कि जड़ों से हरफ नों अदा होते हैं और इसी तरीके से सातवां मखरज हरफ रा का है हरफ रा हर्फे रा का मखरज ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों की के मसोड़े हैं सिर्फ दांत के साथ नहीं लगते हैं नून के अंदर दांतों के साथ जबान लगती है और रा के अंदर मसोड़ों के साथ ज़बान लगती है और इसके अंदर तकरार भी होती है हरफ रा रा यानी ज़बान को एक दो दफा आ, एक दो दफा तकरार होती है ज़बान जब हरफ़ फ रा अदा होते हैं जैसे अर्रहमान रहिम अर्रहमान रह रहीम राह रा की अदायगी में ज़बान के अंदर तकरार होती है और इसी तरीके से आठवां मकरद जो है हरफ़ ता दाल और ता का है हरफ ता दाल और ता इसका मखरज सद है जवान का अगला हिस्सा तालु का उबरा हुआ हिस्सा और सनाया दांतों के मसोड़े हैं यानी ये तीन चीज़ों के साथ मरकब है सद है जवान का अगला हिस्सा तोा दाल ता इन तीनों में सद है जवान का अगला हिस्सा तालू के जो उबरे उबरी हुई जगह है तालू के अंदर मसोड़ों के बिल्कुल ऊपर जो उबरी हुई जगह है उसके साथ और सनाया दांतों के जड़ों के साथ भी इसकी मुदाखलत है हरफ दा तो और आ, दाल तीनों के अंदर ये इन तीन हरूफ का मखरज है और नवा मखरज हरफ स्वाद सीन और जा का है हरफ स्वाद सीन और जा इस मखरज इसका मखरज जो है इन तीनों हरूफ का मखरज सदह ज़बान का अगला हिस्सा और सनाया अलिया के मसोड़ों के पीछे वाली हमवार जगह है उबरी हुई जगह तोा दाल और ता का मखरज है लेकिन उसके बिल्कुल साथ में जो सा, वो है मसौड़ों के पीछे वाली हमवार सतह है हमवार सतह जैसे स्वाद सीन जा उबरी हुई जगह से बिल्कुल ऊपर जो हमवार सतह है वहाँ से ये तीन हरूफ अदा होते हैं ज़बान का अगला हिस्सा या सद है जबान तालू के ऊपर जो उबरी हुई जगह के बिल्कुल पीछे एक हमवार जगह है उसके साथ टच होने से ये तीन हरूफ़ यानी स्वाद सीन और जा अदा होते हैं दसवां और आखिरी मखरज हरफे सा और का है जा के साथ इसकी मिस्टेक ज़ाल का जा ज़ाल को जा के साथ ज़्यादा लोग इसमें ग़लती करते हैं इसी तरीके से सा को सीन पढ़ते हैं अक्सर लोग, लोगा को ज़ुआ पढ़ते हैं ज़ुआ नहीं बल्कि ज़ुआ है जुआ ज़ाल और सा ये तीन हरूफ़ जो है ज़बान की नोक सनाया की सनायालिया दांतों के ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगने से आधा होते हैं सीन सा को सीन पढ़ते हैं अक्सर लोग सीन जैसे कि अरज हुआ ज़बान के सद है ज़बान ऊपर वाले यानी तालू के जो उभरी हुई जगह है वहाँ टच होकर अदा होते हैं सीन जबकि सा जबान का ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के सिरे के साथ लगने से अदा होते हैं तो लिहाजा जा राल और तीन ये आखिरी और दसवं मखरज है ज़बान मोज़ लसान का और ये तीनों हरूफ जो है ज़बान की नोक को सनाया अलिया यानी ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगाने से अदा होते हैं जा लाल और सा तो लिहाजा इसमें ग़लती नहीं होनी चाहिए ज़ा नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि लाल पढ़ना चाहिए जा और लाल का मखरज अलग अलग है इसी तरीके से सीन और सा का मखरज अलग अलग है साहलिया के साथ ज़बान की नोक लगने से अदा होते हैं और सीन के अंदर जबान का सद है ज़बान का अगला हिस्सा तालों के दरमिया हिस्से पर दरमियान में जो उभरी हुई जगह है उधर लगने से अदा होता है लिहाजा इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए इसी तरीके से दुआ दा और वाद में फ़र्क है दुआ जबान का ज़बान की नोक शनालिया के साथ लगने से आदा होते हैं और वाद का मखरज जैसे कि हमने अर्ज़ किया चौथा मखरज है वाद का ज़बान का दाएँ तरफ या बाएँ तरफ को अज़रास दांतों के साथ लगाने से हरफ वाद अदा होते हैं इन शाला कोशिश करें इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें सिर्फ़ ये मालूम होना काफ़ी नहीं है कि कौन सा हर्फ किस मखरज से अदा होता है ये मालूम होना काफ़ी नहीं है इसके लिए मश्क करने की ज़रूरत है प्रैक्टिस जितना जितना जितनी हम कोशिश करेंगे अदायगी के लिए जद्दोजहद करेंगे कोशिश करेंगे उसके हिसाब से इन शेरूफ़ की अदायगी हमारे लिए आसानी होगी इन्हीं गुजारिशात पर इतफ़ा करते हुए पर्वदिगार से मेरे दुआ खुदांदा पर्विगार हम सब को कुरान मजीद को सही तरीक़े से समझने और कुरान के मानी में तदबर करने और कुरान पर अमल पैरा होने की तोफ़िक नायत फरमा बलागुल नलामबी